अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। तो हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या करेंगे? आज मैंने सोचा है कि हम रीडिंग करेंगे। और किस चीज़ की रीडिंग होगी जी? जो सबक पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। और ये कौन सा सबक है हमारी किताब का? बाब नंबर 11, जिसका नाम है आखिरी दिन। ठीक है, पिछली क्लास में तो आप सुन चुके हैं इस सबक को पूरा। तो आज हम इस सबक की पढ़ाई करेंगे मिलके। और पढ़ाई कैसे होगी? पढ़ाई ऐसे होगी कि मैं पढ़ती जाऊंगी, फिंगर रखिएगा वर्ड्स पे, अल्फाज पे, और मेरे साथ साथ रीडिंग करते जाइएगा। चलें फिर शुरू करें सबक की पढ़ाई। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सबक का नाम। क्या नाम है? आखिरी दिन। ठीक है, आखिरी दिन। आगे पढ़ते हैं। फजर की अजान हुई, लोग मस्जिद में आने लगे। थोड़ी ही देर में मस्जिद नमाजियों से भर चुकी थी। सब बैठे मस्जिद के साथ जुड़े कमरे का पर्दा उठने का इंतजार कर रहे थे। सुबह की पौ फूटी तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज की इमामत संभाल ली। नमाज को शुरू हुए चंद लम्हे ही गुजरे थे कि पर्दा हटा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराता चेहरा सबने देखा। उन पर नज़र पड़ते ही लोग खुश हो गए। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पीछे हटने को पांव उठाया ही था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नमाज जारी रखने का हुक्म दिया। उसके साथ ही पर्दा गिरा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नज़रों से ओझल हो गए। चलिए अब हम आपको पर्दे के पीछे लिए चलते हैं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कमरा है। इस कमरे में एक तरफ ज़मीन पर एक बिस्तर बिछा है, ऊपर खजूर के पत्तों की बनी छत और नीचे मिट्टी का फर्श है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन से इसी कमरे में मुकीम हैं। सूरज चढ़ा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज़रा संभली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आप की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नज़दीक आने को कहा और फरमाया, आज तुम्हारे बाबा की ज़िंदगी का आखिरी दिन है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर अफसोस करने लगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर करीब आने को कहा और सरगोशी की। पढ़ रहे हैं ना साथ साथ? शाबाश।
तुम मेरे ख़ानदान में सबसे पहले मुझसे जन्नत में आन मिलोगी। ये सुनते ही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो गई। चंद ही लम्हों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की तकलीफ़ बढ़ी। इस कदर तकलीफ़ में देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोल उठी, हाय मेरे बाबा, किस कदर तकलीफ़ में हैं आज। उनकी ये बात सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने फरमाया, मत परेशान हो मेरी बेटी, आज तेरे बाबा की तकलीफ़ का आखिरी दिन है। वक्त गुज़रा तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की तकलीफ़ ज़रा कम हो गई। तो चलें आज हम ये काम करते हैं कि हम इसी सफ़े पे आज अपनी रीडिंग को रोक लेते हैं। अब आप जल्दी से क्या काम कीजिए, पेंसिल लीजिए। मैं कुछ अल्फाज आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ तो जल्दी से उन्हें अंडरलाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले कीजिए अजान, अजान, ठीक। उसके बाद कीजिए इमामत, इमामत। फिर अंडरलाइन कीजिए मुस्कुराता, मुस्कुराता। उसके बाद अंडरलाइन कर लीजिए ओझल, ओझल, ठीक। उसके बाद कौन सा लफ्ज़ अंडरलाइन करेंगे आप, कीजिए तबीयत, तबीयत, ठीक है। उसके बाद कर लीजिए अफसोस, अफसोस। और फिर अंडरलाइन कीजिए ख़ानदान, ख़ानदान, ठीक। और एक लफ्ज़ और अंडरलाइन करवा लूँ, चलें एक लफ्ज़ और कीजिए तकलीफ़, तकलीफ़, ठीक। अब आप ये काम कीजिएगा कि जो जिन अल्फाज को हमने आज अंडरलाइन किया है इनकी लिखने की बेहतरीन सी मशक करनी है आपने, और साथ साथ रीडिंग करते हुए एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाएंगे और वो वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी टीचर को भेज देंगे, ठीक है। और रीडिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। तो चलें आप ये सारा काम मुकम्मल करें, मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़। Thank you.